चैनल वाइब्रेंट करो। यहाँ पर मेरी मम्मी खाना बना रही है हाय गाइस। और यहाँ पर अंकल 3 दिन के बाद आए और हमारी टाइल्स भी आ चुकी है। मैं हो गई हूँ रेडी क्लास के लिए। ये वही गाउन है जो मैंने साड़ी में से बनाया था। अब लगाऊंगी यहाँ पे सब दवा और मैं निकलूंगी। रेडी ढापड़ी बन के पटाखे तो आपको दिखेगा नहीं शायद, लेकिन बहुत धूल धूल है, पूरा टाइल्स काटा है उन लोग ने और काम करेंगे। टाइल्स काटा है नीचे से तो पूरा है ना घर में पूरा गंदा हो गया। क्लास से आने के बाद वापस झाड़ू फट्टा करना पड़ेगा और मेरा सुमी सुमी को रखना पड़ेगा बाहर। ये उनको भूल गई रखने का। चुमी चुमियो किधर गया मेरा चुमी चुमियो? ये मेरे चुमी चुमियो। धूप लग रहा है, इट्स वेरी हॉट, स्किन जल रहा है, लू लगता है ना ऐसा फील हो रहा है और ऊपर से मैंने क्रीम लगा ली तो मुझे ज़्यादा लग रहा है। फ्रॉम द क्लास मैं दिखाती हूँ हमारे इधर का व्यू। एरिस्ट हो वेरिस बच्चू? अच्छा सब बंद। हाय स्टडिंग नाइस बच्चू। क्या चालू है इधर काम? हवे वाले खड्डे के अंदर? वो खड्डे के अंदर ड्रेनेज के अंदर? हाँ वो पूरा साफ हो जाएगा, पूरा क्लीन कर देगा। ठीक है आप ऐसे वाइब्रेंट गन्नू देखेंगे ना तो इसके नीचे देखो ये पॉपुलर अपलोड्स आते हैं वो देखो आप, इसमें स्टेकेशन है सब है और इसके नीचे शॉर्ट और प्लेलिस्ट बनाए हमने फेयरवेल का, खाना पीना मुंबई टू शिरडी गोटी होली का है, बर्थडे सेलिब्रेशन, टीचर्स डे, नवरात्रि, ये स्टेकेशन में नए मुंबई मेरी जान में, इसमें हमने जू चौपटी दिखाया है, मरीन ड्राइव दिखाया है, गेटवे ऑफ इंडिया दिखाया है, बहुत कुछ दिखाया है। और ये हमारा कच्छ की सीरीज है, जब हम सारंगपुर गए थे कच्छ गए थे उसकी सीरीज है और ये लोनावाला की सीरीज है। और ये हम मुंबई टू कोल्हापुर और कोल्हापुर टू गोवा गए थे वो है। ये गणपति बाप्पा है व्लॉग देखो, ये सब है तो ये सब आप ज़रूर देखना। मुंबई टू कोल्हापुर को गोवा है ना, उसमें ना आपने मेरे ख्याल से ना टेम्पल नहीं देखा है, गोवा के टेम्पल्स, ये गोवा के टेम्पल्स आप ज़रूर से देखना हमारे व्लॉग में। ये चर्च है और चर्च के बाद हम लोग ने टेम्पल्स दिखा है। ये चर्च दिखाया और चर्च के बाद हम लोग ने ना टेम्पल्स भी बहुत दिखाए। तो आपने गोवा तो चर्च देखते हो लेकिन इसमें हमने टेम्पल्स भी बहुत दिखाए, वो ज़रूर से आप टेम्पल्स देखो क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स भी हैं। ये आप व्लॉग ज़रूर से देखो हमारा वाला। ये टेम्पल का व्यू है देखो, बहुत अच्छा है, ज़रूर जाके देखिए ये व्लॉग हमारा। याद आया गोवा ट्रिप मिसिंग नहीं तो जाना नहीं है वापस? देखो जाना तो है तो बाद में जाएंगे। ओके ये टेंपल के वहां से व्यू है गोवा में, गोवा का हम लोग गए थे उसका देखो टेंपल व्यू देखो। तो गोवा में टेंपल कोई नहीं देखा लेकिन हम देखने गए थे बाहर साथ में थे, आप जरूर से देखना गाइस। प्लेलिस्ट है आप जाके देखे और उधर भी हमें प्यार दिखाइए।
और जो अनसब्सक्राइब जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। और भूख लगे और देखते हैं मम्मी किचन में क्या बना रही है। ओ वाह क्या बना रहे हो? आई थिंक भजिया। भजिया, ये चना, आटा, मिर्ची, हल्दी, अजवाइन, नमक, दाना जीरू और थोड़ा हींग, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ी सूप। गुलना भी नहीं पड़ा आपको, सामने से बनाने चले गए। अब क्या करेंगे, देखो भूख लगा है तो कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। मुझे पोटैटो पिंस करने में हेल्प करेगा भजिया, बना के दे रही हूँ ना, ऑलवेज हेल्पिंग माय मेरा भजिया, हमेशा हेल्प करता है। ए जाड़ी, ए जाड़ी, मैं जाड़ी दिखता हूँ, पतली इधर देख। दिखाए ना, आधा छोड़ा है अभी, खाली कटिंग किया और लिया है। अभी देखो मैं क्या करूं, बैग रख के गया है, नहीं मैं अभी वो आने वाला है कि नहीं वो भी बता के नहीं गया, और ये सब उठाने वाला, खाली कटिंग किया और उठाया। अभी लेट्स सी, मेरे झाड़ू फट्टा भी बाकी है, पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर देखती हूँ, नहीं आया तो झाड़ू फट्टा कर लूंगी। गाइस मेरे मम्मी ने भजिया बना दिया, अभी मैं खाऊंगा और मेरे फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाला हूँ। गाइस कैसा लगा भजिया? पानी पूरी के पानी जैसा। अरे मतलब पानी पूरी इज योर फेवरेट। अच्छा बना है। ओके गाइस, ये खाली आलू का भजिया खाता है, आलू भजी। अभी आलू भजी के बाद मैं कांदा भजी बाग के लिए बनाऊंगी। ये हमारा नाश्ता चल रहा है, खाना तो मालूम नहीं क्या करेंगे। डिनर थोड़ा उल्टा, मैंने मम्मी और मेरे बच्चों ने खा लिया और अभी मेरे हस्बैंड खाएंगे, उनके लिए मैं बना रही हूँ गरम गरम भजिया। बन रहा है नया स्लॉट भजिया का, आज खाना में खाली भजिया कांदा, क्योंकि नाश्ता में सोचा था, मैंने सोचा खिचड़ी रखूँ तो सबने बोला नहीं हम भजिया ही खाएंगे आज, तो आज भजिया पार्टी। डिनर के बाद हम लोग फट्टा कर रहे हैं वेरी लेट, क्योंकि मुझे लगा शायद वो नाइट ड्यूटी करेंगे और शायद सीमेंटेड करेंगे, जो लीकेज का लगाने का जो भी लगाने का वो लगाएंगे, लेकिन नहीं हुए। अभी एकदम लेट आफ्टर डिनर हो रहा है मेरा फटा फटा फटा। हम हमारा व्लॉग देखते हुए हम आइस पैक आंख में लगा रही हूँ। कल से ये व्लॉग देखा ना तब से मुझे टाइम नहीं मिला है मेरे को आइस पैक लगाने का, अभी मैं लगा रही हूँ, थोड़ा हैवीनेस लग रहा है। डॉक्टर ने बोला है दो सुबह शाम 5-5 मिनट करो, इधर तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, तो मैं लगा रही हूँ आइस पैक। और देख रहे हैं हम हमारा व्लॉग, आप भी जाके देखो हमारा व्लॉग। अनसब्सक्राइबर जो देख रहे हैं ना वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बोला बोलो, बोलते नहीं बोलूँगी, थक गए, बोलते मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, मैं थक के थक हो गई हूँ। आपको कुछ बोलना है? क्या बोलूँ मैं तो, भाई साहब मैं तो थक गई, थक गई थी तो मम्मी और मैं सच में थक गई थी, इसका भी मेरे को टर्न नहीं आया, तो अभी क्या करूँ बोलो। और बोलते ना कि जेव हो नहीं वहाँ सेटिस्फाई वहाँ मरे वानू, मतलब सेटिस्फेक्शन संतोष नाम की चीज़ होनी ही चाहिए, कि सोचो कि ये हम लोग, मुझे बहुत जन ने कमेंट तो नहीं किया लेकिन बताया कि साइड की टाइल्स आप क्यों नहीं तोड़ रहे हो, तो उसका कहने का मतलब है मेरे क्यों, मतलब नॉट नेसेसरी, वो सब ठीक है तो उसको तोड़ के क्या करेंगे, जिसको दिखाने का हमको ही रहना है ना, दुनिया को दिखाने के लिए हम हमारा बैंड क्यों बजाए, वो खींचा ढीला तो होगा ना भाई, नहीं होगा तो जो जरूरत थी, लीकेज का इश्यू था हमको, इसलिए हम लोग नीचे की टाइल्स तुड़वा रहे लगा रहे, क्योंकि हमारे नीचे वाले को प्रॉब्लम है, तो वी डोंट वॉन्ट कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए हो रहे। तो आपको पूरा रिनोवेट करना चाहिए क्यों मैडम, हमको क्यों रिनोवेट करना चाहिए, हमको नहीं करना है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ लोगों के लिए अच्छा लगाने के चक्कर में हम लोग हमारे ही फैमिली मेम्बर को वो करते हैं, मतलब कि उनको अभी फाइनेंशियल इशू नहीं, हम लोग जिद करेंगे तो बेचारे करके भी देंगे, लेकिन आपको लगता है वो ठीक है? बिल्कुल नहीं, लोगों को अच्छा लगाने के चक्कर में हमको हमारे फैमिली मेम्बर का किसी का भी बैंड बजाने का नहीं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, एडजस्ट करना हमारा काम है। हाँ जरूरत हो उधर खर्चा करने का, अनवांटेड खर्चा मत करो, और जिंदगी में थोड़ा फ्रेश होना जरूरी है, थोड़ा सबको ब्रेक चाहिए लाइफ में, तो वो ठीक है, चलो सब लोग जाते हैं करते वो सब ठीक है, लेकिन
किसी को दिखाने के लिए अपना बैंड मत बजाओ, फैमिली मेंबर का बैंड मत बजाओ, जिद मत करो, जो इसमें खुश रहो। और अगर आपसे कोई जलता है, कुछ करता है ना, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि अपने में पराए और पराए में अपने दिख जाते जब अपने पास कुछ नहीं रहता है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल वाइब्रेंट गनू। जय भारत, जय हिंद, बाय गाइस। सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइबर जो देख रहे हो ना, डू सब्सक्राइब।